जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में फ्लोर टेस्ट को लेकर बहस चल रही थी, ठीक उसी वक्त उद्धव ठाकरे अपनी सरकार का आखिरी कैबिनेट मीटिंग कर रहे थे। उद्धव ठाकरे और उनके सहयोगियों को यह पता है कि सरकार अब गिरी कि तब गिरी। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट मीटिंग में हिंदुत्व का कार्ड खेला, जो न तो एनसीपी को रास आया और न ही कांग्रेस को। समाजवादी पार्टी भी इससे खुश नहीं होगी, क्योंकि यह काम उद्धव ठाकरे पहले भी करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन तब एमवीए का अंकुश उन पर लगाया गया था, लेकिन आखिरी वक्त में उद्धव ठाकरे की चली और उन्होंने औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव कैबिनेट से पारित करवा लिया। औरंगाबाद का नाम अब संभाजीनगर होगा और उस्मानाबाद का नाम धारशिवा होगा। औरंगाबाद का नाम संभाजी रखने की मांग शिवसेना लंबे समय से करती आ रही थी। शिवसेना और उद्धव ठाकरे अक्सर औरंगाबाद को संभाजीनगर कहकर ही संबोधित किया करते थे। वहीं उस्मानाबाद का नाम भी धाराशिवा की मांग शिवसेना की थी। हालांकि कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन में सरकार बनाने के बाद शिवसेना की इन दोनों बातों को कांग्रेस का समर्थन नहीं मिल रहा था। कांग्रेस अक्सर औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलने पर आपत्ति जताती रहती थी, लेकिन अब जब महाराष्ट्र में सियासी संकट चल रहा है और उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व को साइडलाइन करने के आरोप लग रहे हैं, तब सरकार ने इन दोनों जगहों के नाम बदलने को मंजूरी दी है। उद्धव ठाकरे के सामने आखिर कांग्रेस और एनसीपी के मंत्रियों ने सरेंडर कर दिया, लेकिन इस सवाल का जवाब तो उन्हें देना ही हो पड़ेगा, नहीं तो सेकुलर राजनीति करने वाली इन दोनों पार्टियों पर मौका परस्ती का आरोप लगना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।